प्रश्न एक, किस कारण से परशुराम क्रोधित हुए थे? उत्तर, उनके गुरु शिवजी का धनुष श्रीराम सीता स्वयंवर में तोड़ डाला था। प्रश्न दो, किनके वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे? उत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण एवं धृष्टता भरे वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए। प्रश्न चार, धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने कौन से तर्क दिए? उत्तर, यही कि यह शिव धनुष पुराना था, श्रीराम ने इसे नया जानकर हाथ लगाया और यह हाथ लगते ही टूट गया। प्रश्न पांच, यहाँ कुंभरबतिया को नहीं जित रचनी देखी मर जाही पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आशय कि यहाँ कुंभरबतिया या छुई मुई के फूल कोई नहीं है जो आपकी अंगुली दिखाने मात्र से डर जाएंगे। प्रश्न छह, कुंभरबतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? उत्तर, कुंभरबतिया शब्द का प्रयोग कमजोर एवं निर्बल व्यक्ति के पक्ष में किया गया है। प्रश्न सात, लक्ष्मण की किन बातों से परशुराम ने अपना अपमान महसूस किया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया, भरी सभा में निर्भीक रहकर उन्हें चुनौती देते हुए उनके पराक्रम को ललकारा था। प्रश्न आठ, सूर समरकर्णी करही कहीं न जनाब ही आपू का भावार्थ बताइए। उत्तर, यही कि शूरवान यानी वीर पुरुष युद्ध में ही वीरता दिखाते हैं, व्यर्थ में बोलकर अपनी वीरता की आत्मप्रशंसा नहीं करते। प्रश्न नौ, अयम खांड न उर्व में का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विश्वामित्र ने लक्ष्मण के संदर्भ में परशुराम से कहा कि ये गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है वरन लोहे से बना खांडा तलवार है। प्रश्न 10, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्रीराम जल के समान अग्नि को शांत करने वाले वचन बोले। प्रश्न 11, परशुराम किसके कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं? उत्तर, यो के कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं। प्रश्न 12, विश्वामित्र किनके गुरु थे? उत्तर, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु थे। प्रश्न 13, रिपु शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, रिपु शब्द का अर्थ शत्रु है।